वडोदरा महानगरपालिका संचालित वैसे सयाजी बाग के सैनिक सिक्योरिटी एजेंसी के 94 जितने कर्मचारी वेतन की अनियमितता और कई प्रश्नों को लेकर हड़ताल पर उतरते हुए उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वडोदरा महानगर पालिका संचालित वैसे सयाजी बाग में सैनिक सिक्योरिटी के 94 से भी अधिक कर्मचारी द्वारा बिजली हड़ताल पर उतरते हुए कॉरपोरेशन तथा सयाजी बाग में एक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला था, जिसमें मिली जानकारी के आधार पर पार्क एंड गार्ड्स विभाग के अधीक्षक मंगल जयसवाल के मुताबिक सैनिक सिक्योरिटी के कर्मचारी द्वारा वेतन की अनियमितता को लेकर उनके द्वारा हड़ताल जारी की गई। लंबे वक्त से अनियमित वेतन के कारण ये तमाम कर्मचारियों को काफी आर्थिक परेशानियां भुगतनी पड़ रही है, साथ ही अन्य कई प्रश्नों का अभी तक हल नहीं मिलते हुए आज तमाम 94 जितने कर्मचारी बिजली हड़ताल पर उतरते हुए उनके द्वारा आने वाले वक्त में अनिश्चित मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया गया था, जिसकी जानकारी पार्क्स एंड गार्ड विभाग के अधीक्षक को होते हुए सर पर रोड़े चले आने के बीच तमाम सिक्योरिटी कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की गई, जहां उन्हें शाम तक उनका वेतन हो जाएगा वैसी तसल्ली दी गई थी। पगार मोड़ो तो एना माटे गाड़ो बधा हड़ताल पर उतरी गया था, पण आजे पगार थई जशे कीधेलु छे कंपनी में। हाँ तो कर्मचारी तो हम तो 94 है त्रेन शिफ्टना बीजो कोई नहीं पगार नहीं तो। पगार बाबते गई काले पण सांजे अमने वात करी थी एजेंसी ने जे मेन अहीं ऑपरेशन जुए अने लगभग आन सान सुधी क्रेडिट थई जशे अने ए बाबते पण ए लोकोने जणाववामां आव्युं।